जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जद्दारु ब्रह्म मरुति प्रणव तनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपते वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यं पशुपतिरिति जासक्ततत्त्वे च सगतिं बौधानां बुद्धरूपं रुष भजति वरो जैन सिद्धान्तसारं देवोऽसौ पातु नित्यं कलिकलुषहरं श्रीनीलशैलाधिनाथ श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद अनंत कोटि प्रणाम। नीलाद्रिकंदर सर्वदेवतांकर चरणारविंद अनंत अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु आपण मानकु आमर प्रातकालर धारा बरणी सीधा प्रसारण कार्यक्रम को स्वागत करुच्छ पद्मनाभ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र आपण मान आमर श्रीजगन्नाथंकर द्वार फिटा ठारू भगवान पतित पावन नारायण को प्रत्यक्ष भाव दर्शन करी पर्दार महाप्रभु पतित पावन नारायण एवं अवकाश बढ़ी सारी महाप्रभुंकर पुष्प बेश होची एवं आज जेहेतु इंग्राजी 16 जून 2024 मसीहार रविवार अच्छी शेष रज दिन आज मध्य कारण आमर ओडिशार गणपर्व रज पर्व गोटे आनंददायक पर्व जेहेतु आज रज रहउचंती शेष दिन भूदाह एवं दिनटी सब दृष्टि चिंता कले ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष दशमी एवं रात्र पर एकादशी भोग हबो तेणु ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष दशमी तिथि कन्या राशि रे चंद्र अवस्थान करुछंती दिन टी पाई जदि आमे देखिबा विशेष भावरे आजिर राशिमान को पाई चंद्रंकर स्थिति हेले देखिबा को गले चंद्र शुद्धिकार करहुची मेष वृष कर्कट सिंह कन्या बिछा धनु मकर मीन राशि एवं रात्रि 12:34 परे आउ अन्यान्य राशि मानकर मध्य रहिबो रवि शुद्धि देखिबा को गले मेष सिंह कन्या मकर राशि गुरु शुद्धि मेष कर्कट कन्या बिछा ए मकर राशि घात चंद्र वृष राशि एवं घात बार मेष राशि रहिछि एतत व्यतीत पुष्कर दोष को देखिले एक पाद रहुची श्राद्ध एवं तर्पण ये सब जो व्यवस्था आमर दशमी पूर्ण भाव एक सांवत्सरिक पार्वण प्रत्येक श्राद्ध गुड़िक दशमी आज निषेध खाद्य मध्य विशेष भाव
जहाँकि कहुची कलम शाग एवं चारिटा तेयालीस परे शिंब आमिष ये सब रात्र कथा ये सब बंद रेणु ये आज दिन की रोची जत्रापाई शुभकारक समय कहले विशेष भाव महेन्द्र बेला चार्टा सैंतीस रु पांचटा तीस पर्यंत अमृत मध्य वर्तमान छटा सतावन ठार् नौटा पैंतीस पर्यंत तापर पुणी बारटा तेरह रु दीटा बान पर्यंत एतत व्यतीत पुणी संध्या छटा तेईस ठार् सतटा उनचास पर्यंत यह भाव अमृत मध्य अनेक समय रे आसिबो विशेष भाव आमर राहु काल टी आम देखि था राहु काल हूँ दिन चार्टा चौरालीस रु छटा तेईस से समय भितर कौन कार्य कर तेणु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रु आपण माने जो पतित पावन नारायण को देखुचंती श्री श्री पतित पावन नारायण प्रत्येह महाप्रभु को सिंहद्वार गुमुटे जय जगन्नाथ टीवी पर्दार दर्शन दूसरी सिंहद्वार दे आपण माने देखुचंती आनंद उल्लास सहित भक्त माने प्रवेश करुचंती महाप्रभुंकर से पवित्र श्री मंदिर को महाप्रभु को दर्शन करिवे दर्शन करी कृतार्थ हेबे जहार जहाँ दुख सुख अच्छी किए क्यों स्थान रु आसी कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये क्षेत्र हूँ गोटे प्रत्येक मनुष्यर आस्था और विश्वास स्थान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर रत्न सिंहासन अधिकारी जो सप्तधा विग्रह आम ताज आलोचना करवा ता पूर्वर आम गोटे विशेष सूचना मध्य रही बाईस दिन अपेक्षा रहिला एथर रथयात्रा आपण माने बिना विज्ञापन विरती रे आमर जय जगन्नाथ टीवी पर्दार देखिपारे एवं ता व्यतीत तो आउरी गोटे विशेष सूचना यही मास बाईस तारीख आगंतुक बाईस तारीख रे भोर चारिटार पवित्र स्नान पूर्णिमार सीधा प्रसारण बिना विज्ञापन विरती आपण मान देखिपारे आपण मान घरे बसी श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर यही पवित्र पावन क्षेत्र रु प्रत्येह प्रात काल रु भगवान श्रीमंदिर द्वार फिटा एवं पतित पावन मंगल आलती ठार बेश श्रृंगार इत्यादि सीधा प्रसारण मध्यम आम जय जगन्नाथ टीवी पर्दार देखुचंती वर्ष सारा मध्य अनेक प्रकार प्रभुंकर बार मास रे तेरो यात्रा जानी यात्रा रो सीधा प्रसारण आपण माने मध्य देखुचंती जदि कौनसी दर्शक बंधु जय जगन्नाथ टीवी चैनल आपणकर घरे आसुना तबे आपण माने निकटस्थ केबुल ऑपरेटर सहित जोगाजोग करंतु एवं घर को जय जगन्नाथ टीवी चैनल आनंतु महाप्रभुंकर सीधा प्रसारण माध्यम रे आपण माने श्रीक्षेत्र विविध लीला महाप्रभुंकर देखिपारे ये होची सिंहद्वार पार्श्ववर्ती अंचल दृश्य विभिन्न प्रकार फोटो जगन्नाथ लकेट एवं माली ये सब सिंहद्वार रे विशेष सब पार्श्ववर्ती स्थान रे दर्शनार्थी माने जो आसंती आपण माने देखुचंती आमर जय जगन्नाथ टीवी पर्दा रे ये सब श्रीक्षेत्र रु भक्त माने दर्शन करी प्रस्थान करिवा बेले प्रायतः सब घर को नहीं थांती किए जगन्नाथ फोटो टे नहीं था किए विभिन्न प्रकार मूर्ति सब अच्छी नहीं था माली डोर एवं हूँ सबु देव उपयोगी जहाँकि ये सब द्रव्य गुड़िक कंकण ठार आरंभ करी अन्यान्य बहुत प्रकार देवतांकर उपकरण देखा मिलूँ तेणु ये सब दर्शनार्थी माने गला बेलू घर को मध्य नहीं था तेणु से ये व्यवसायी माने प्रायतः चारिपटर विभिन्न स्थान में
ହଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତ ସେଠି ଦୋକାନ ଅଛି ଅଲଗା କଥା, ନଚେତ ଫୁଟପାଥ ମଧ୍ୟରେ ଦାଢ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ଘର ଚଳିଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀଭୂମାଧବ ଚକ୍ର ଚକ୍ରୀ ବନିବୃଦ ଭଦ୍ରାଭୀର ଭ୍ୟୁରଜ୍ୱଳ ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ ପ୍ରମୁଖା ଖିଳା ମର ଶିଖାମ ଜୁଷ୍ଟାଙ୍ଗ୍ରି ପୀଠୋତ୍ପଳ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ମୌଳି ମଣ୍ଡନ ମହାମ ନୀଳାୟମାନ ମହ ଶ୍ରୀଭୂମାଧରିତମ ସ୍ମରମ ଭବତୁନ ପ୍ରତ୍ୟୁହତ୍ୟୁଦ୍ୟତାମ। ଶ୍ରୀଭୂମାଧବ ଚକ୍ର ଚକ୍ରୀ ବନିଭୂତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଧ୍ୟାନଟି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କରିଥିଲେ। ସପ୍ତଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କରେ, କାରଣ ଇଏ ଚାରିଦ୍ୱାରର ସବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାହେଇଛି। ଯେହେତୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ରଜ ପର୍ବ ଗୋଟିଏ ଗଣପର୍ବ, ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ଆମର ଯେହେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟି ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରଜ ପର୍ବରେ ଚାରିଆଡ଼ୁ, ଯାହାକି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗହଳି ରହିଛି, ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ରହିଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଏତେ ଯେ କଲବଲ ହୋଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ପୁଣି 8 ଦିନ ପରେ 15 ଦିନ ପରେ ଆସିପାରିବେ, ମାସେ ପରେ ଆସିପାରିବେ, ଏବଂ ଆଗନ୍ତୁକକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ତା ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ରଜ ପର୍ବ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମସଂସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା, କାରଣ ଭକ୍ତର ପ୍ରାଣର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଏ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ।
କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାଡ଼ ସାନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭଗବାନ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମାଧବଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ସପ୍ତଧା ବିଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ ଜାନିଯାତ୍ରା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ହୁଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଂହାସନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ବିଜେ ବିଗ୍ରହମାନେ ବିବିଧ ସ୍ଥାନକୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତିକାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆସୁଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ ଯାହାକି ନୈଋତ କୋଣର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏ ରଜ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପରେ ଆସନ୍ତୁ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତ ପାଇବେ। ଏକକାଳୀନ ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସି ଭିଡ଼ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଇନଥାନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶରେ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହାହେଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲାଗି ରହିଛି ଏ ସପ୍ତଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ତ କେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ବା କ'ଣ ଜାଣିବା। କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲୀଳାକୁ ନେଇ ଆମେ ଖାଲି ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆରୋପିତ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱାନୁତତ୍ତ୍ୱମ୍, ସେ ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନଯୋଗ କର୍ମଯୋଗ ଭକ୍ତିଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗୀ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଅନେକ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥାକୁ ନୁହଁ ଏସବୁ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ହାତ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ଇଏ ସଦାସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାୟ କାରଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବେ, ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ତେଣୁ କର୍ମ ହେଉ, ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଭକ୍ତି ହେଉ, ଇଏ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଜଣେ ଭକ୍ତ ପାଇପାରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ସହିତ
महाप्रभुंकर श्रीमंदिर को चारिद्वार भक्त मानकर भिड़ लगी कारण चारिद्वार दे जेहेतु भक्त मान जाउछन्ति प्रत्येक द्वार रे मध्ये बैरिकेड लगी बैरिकेड भितर भक्त मैंने महाप्रभु दर्शन करने पर्याय क्रम चढ़ा हो कारण जदि संपूर्ण भाव में भक्त मान पूरा निरवच्छिन्न चलिए निश्चित भितर तो जाम हम कारण हूँ भिड़ प्रबल हो जगमोहन एवं जदि भितरकाठ दर्शन रहा तेज निश्चित भाव में पर्याय क्रम भक्त मान नगले दर्शन श्रृंखला हो पारना ताकु आधार करी आमर प्रशासनिक व्यवस्था मध्य पर्याय क्रम छाड़ तेणु जगमोहन नाट मंडप भक्त मैंने महाप्रभु को दर्शन कर सपट फेरला पुणी आउ पर्याय क्रम भक्त मैंने जा दर्शन करने तेणु से रज पर्व जेहेतु चली प्रख्यात पर्व आज भूदाह जहाँ लोकभाषा भूईदन बोलिकी मध्य ग्रामांचल कही तेणु प्रकृत भाव देखा गले जगन्नाथ महाप्रभु को कृषि आरंभर पर्व कहले अत्युक्ति हम ना या पर वर्षा काल आसो तेणु शस्य अमल करने प्रत्येक कृषि कार्य त्वरान्वित भाव चली था ठीक रज संक्रांति से भक्त टी आसी महाप्रभु को जनइब कृषक टी आसी जगन्नाथ को जनइब ए बर्ष महाप्रभु कारण बर्षे जदि फसल नहला ताले जने कृषक निराश हो जाए वर्षक तेणु प्रभुंकर चरणारविंद समर्पित हो प्रत्येक ठाकुर श्री चरणारविंद समर्पित पूर्वक जो माने प्रभु को समर्पण भाव ही जाई निश्चित भाव महाप्रभु तांकर प्रत्येक कार्य करती कारण जीवंत देवता जगन्नाथ महाप्रभु आम आलोचना करुले ये जो श्री विग्रह गुड़िक वेदरे ओंकार ब्रह्म बोली प्रतिपादन करा जाई एवं आउरी आमर लोक भाषा रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज से कथा कही कल ओंकार स्वरूप भगवान नीलाचल धाम रतन सिंहासन दर्शन दौंस से कह जाए ओंकार मंत्र सार ओंकार घोर ओंकार आकार धरिल ओंकार वर्ण मात्रा ओंकार सर्वज्ञाता प्रभु बोइले ओ कर हे नीलाद्रिश ओंकार प्रकट स्वर ओंकार ब्रह्मर विकार ओंकार तत्वबारी ओंकार निर्विकारी ओ बोइले ओ कर हे नीलाद्रिश हे देवाधि देवराज मणिमा कोटि ब्रह्मांडर देवता महाप्रभुंकर आम से पश्चिम द्वार को देखुचे जो पश्चिम द्वार दे भक्त मैंने किसी अनुसार बाहर आछ भक्त पर्याय क्रम प्रवेश कर दृश्य आम पाखक आसुची तेणु से ओंकार स्वरूप महाप्रभु नीलाद्रि कंदर पोखरिया गर्भगृह रतन सिंहासन देवाधि देवराज मणिमा ए ओंकार स्वरूप सप्तधा विग्रह विराजमान कर जाए कारण से ब्रह्मा से विष्णु से महेश्वर से ओंकार से आकार से मकार से सबू से तो कह जा इति स्तुत्वा सुरेशानं देवं प्रणव रूपिणं देवता माने कहते इति स्तुत्वा सुरेशानं
सुर देवता माने कहते देवम प्रणव रूपिणम देवता प्राय प्रणव रूप से विराजमान कर पुणी कहते आवरी साधक माने कले राम कृष्ण सुभद्राजे प्रभु ये तीनी प्रतिमाम श्री पुरुषोत्तमे विजे आहा हरि हर ब्रह्माम इठी बलराम इठी सुभद्रा इठी जगन्नाथ इठी समस्ते ये प्रतिमा माने विविध प्रकार स्वरूप तंकर भी अच्छी हरिहर ब्रह्मा तुरीय तत्व एभली भाव कहतीपाई प्रत्येक भक्त माने विभिन्न प्रकार कथा श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन पद्धति रे जहा आरोपित करिसंती कारण जी जो रूप से देखी से रूप को प्राधान्यता देखिपाई महाप्रभुंकर आपण माने देखिबे अनेक प्रकार जेहेतु स्वतंत्र व्यवस्था ता भितरे जगन्नाथ को क्यों महापुरुष क्यों प्रकार रूप से दर्शन करिसंती ता हउचि स्वतंत्र ता कारण आपण माने देखिबे विभिन्न पुराण मानक मार्कंडेय पुराण स्कंद पुराण विष्णु पुराण मत्स्य पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्म पुराण ये सब पुराण मानक श्रीक्षेत्र महात्म्य रही प्रणव तत्व जहाँ मु आलोचना करूँ से अकार रे बलराम को कह स्थूल तत्व उकार सुभद्रा सूक्ष्म तत्व मकार जगन्नाथ महाप्रभु हिरण्यगर्भ कारण तत्व नाद भूदेवी बिंदु श्रीदेवी रूपे परिकीर्तिता एवं पुनश्च रागानुदगा अचिंत्य भेदाभेद मार्गरे श्रीदेवी भूदेवी बहिरंग तत्व मध्य एतत् व्यतीत सर्वजन बोधगम्य निमित्त वेदांत दर्शन रे मध्य सप्तविध रूप मंडल को वर्णना करा जाइछि कौन ना आकाश तत्व महाकाश तत्व जलाकाश तत्व घटाकाश तत्व कुटस्थ तत्व माया तत्व अविद्या तत्व ये जो सप्तधा तत्व मध्य रे देवता मान को मध्य विभिन्न महापुरुष माने आरोपित करिसंती किंतु नह सिद्धांत केही भगवान कर जगन्नाथ महाप्रभु एया कोई परिवे नाही ता कारण शिष्परा सर्वरूपी से केते रूप ही पारंती तार पर्यंत ही नाही सेति पाई भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु कर पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रत्येक स्थान ही होचंती रहस्यपूर्ण कारण ये क्षेत्र तो रहस्यपूर्ण से क्या सर्वरहस्य पुरुषोत्तम से कारण पुरुषोत्तम क्षेत्र इटी रहस्य एवं महाप्रभुंकर इटी रूप मध्य रहस्य इटी लीला भी रहस्य इटी नीति रहस्य व्रत सबु रहस्य सेथिपाई कह जाए सर्वरहस्य पुरुषोत्तम से देवेन जानाति कृत मनुष्य देवता माने मध्य जानी पारंती नाही महाप्रभु को आमे बा कौन जानिबा सेथिपाई भगवान सर्वतत्व मध्य रे पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभु सर्वतत्व मध्य रे अछंती श्रीम्बीज बलभद्र हुंती ह्रीम्बीज सुभद्रा मूर्ति क्लीम्बीज जगन्नाथ बाब ए रूपे नैवेद्य देव ये कथा अनेक महापुरुष कहते
कारण जो महापुरुषंकर दर्शन मध्यरे से जो तत्वटी पाइले से तांकर लेखारे से तत्वटी उपस्थापित करिसेंति जे भगवान केवल से तत्व आबद्ध ता भी नुह ता कारण हूँ भगवान होती सर्वतत्वानुतत्वम भगवान को नीलाचल धाम दर्शन कले सर्वदेवता सारा पृथ्वी सारा बुली जिते देवता आम दर्शन करवा एक जगन्नाथ को दर्शन कले से दर्शन समस्त देवता फल मिले से रहस्य देवता जगन्नाथ महाप्रभु रथ काठ आप देखुं ये हूँ फासी धौरा असन ये सब विविध प्रकार काठ महाप्रभुंकर रथ निर्माण पर रही कारण जेहेतु रथजात्रा आगंतुक रथ निर्माण त्वरान्वित भाव में चली रथर मध्य दंडा पड़ा कारण चक निर्माण होतापर दंडा पड़ अख लग ये सब कार्यक्रम चली पाखे रथ खड़े जो महाप्रभुंकर प्रत्येक पारंपरिक सेवक माने जो माने के रथ कार्यपाई निजुक्त होती से माने महाप्रभुंकर कार्य निरवच्छिन्न भाव कर श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महान क्षेत्र जेहेतु ठाकुरंकर रीति नीति लीला ये पृथ्वीर आउ कौटी ना से कालिया सांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर लीला होची अनन्य लीला लीला विद्रुत कलेवर देव मानव अगोचर चारियारे से ही रथ काठ सब थुआई विभिन्न कार्यपाई रथर विभिन्न अंगे लगे प्रत्येक वर्ष बन्या आमर जो होती बनांचल सबू जहाँकि दसपला एवं नयागढ़ सब बनांचल जो अच्छी तामध्यरु रथ काठ जहाँकि पारंपरिक विधि विधान अनुसार श्रीक्षेत्र को आसी थाए आज आपण मैंने से ही रथ काठ सब देखुं ये हूँ सिंहद्वार पार्श्वर्ती स्थान जहाँकि बड़दाण्डर दृश्य ये दाण्डर नाटी हूँ बड़दाण्ड ये बालीर ना हूँ श्रद्धा बाली कारण ये बड़दाण्ड कितने भक्त को ये बक्षर धारण कला साधु सन्थ आरंभ करी जुग जुग धरी कितने जे साधक ये बड़दाण्ड आसी आज भी मध्य महाप्रभु को दर्शन करने हजार हजार भक्त श्रीक्षेत्र को आगमन महाप्रभुंकर पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला जगन्नाथ को दर्शन करने भक्त सदावल आतुर होती प्रत्येक मुहूर्त भक्त टे चिंता करे टे श्रीक्षेत्र को दोरी लगी जाता महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करती दर्शन करती ए भक्त टे श्रीक्षेत्र को आसे आपण मैंने देखुं सिंहद्वार दृश्य धर्मस्य तत्व निहित गुहाया ये धर्म द्वार आम कौन बा धर्म अर्जन करवा प्रत्येक प्रात काल आपण मैंने देखिए प्रत्येक दिन शक्ति अनुसार किसी दान तद्वारा अनुभव करिवे अनेक दुर्गति नाश कारण प्रत्येक मनुष्य शक्ति अनुसार किछि ना किछि दान करिवा दरकार जे कोनसी दान हो कि अन्न दान करुछि किए बहुचंती आपणकर आर्थिक दान करि पारंती आउ कोनसी किए श्रम दान करि पारंती जे कोनसी दान हो कोठी ना उचित पात्र रे उचित पात्र देखि दान करबा पई सदा सर्वदा प्रयास रहिले आमर मंगल हो विशेष भाव रे आमर सूचना आउ मात्र 22 दिन रो अपेक्षा रहिला एथर रथयात्रा आपण माने सीधा प्रसारण आमर जय जगन्नाथ टीवी देखिबे बिना विज्ञापन विरति रे निरवच्छिन्न भाव रथयात्रा देखि पारिबे ता पूर्वरु आसंता 22 तारिख रे प्रभुंकर देव स्नान यात्रा
प्रख्यात देव स्नान यात्रा महाप्रभु स्नान मंडप रे प्रत्येक भक्तमान को सम्मुखरे महाप्रभु स्नान यात्रा अनुष्ठित जेहेतु हबो स्नान यात्रा प्रभु करिवे सेठी पाई श्रीक्षेत्र चलचंचल प्रभुंकर स्नान यात्रा पाई कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे स्नान यात्रा प्रत्येक वर्ष करुछंती जहाँ को आद्य यात्रा कहा जाए जन्म यात्रा कहा जाए तेनु देव स्नान यात्रा ए मास 22 तारीख जहाँ कि आपण मानकर निकट हो गलानी आउ अल्प दिन रे अपेक्षा सीधा प्रसारण रे आमर जय जगन्नाथ टीवी रे पर्दा रे भोर 4:00 आपण माने स्नान यात्रार मध्य सीधा प्रसारण देखि परिवे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपा लाभ करिवे एतत व्यतीत रथ यात्रा मध्य आउ 22 दिन रे अपेक्षा रहिला जहाँ जुलाई 7 तारीख रे भगवान करो भुवन मोहन प्रसिद्ध श्रीगुंडीचा रथयात्रा अनुष्ठित हो बो से रथयात्रा को आपण माने मध्य आमर जय जगन्नाथ टीवी रे निरवच्छिन्न भाव रे देखिबे घरे बसी निज टीवी पर्दा रे प्रत्येक दिन आपण माने देखुचंती महाप्रभुंकर द्वार पिटा मंगल आरती कारण जहाँकि पतित पावन को आम मंगल आरती देखुचे बेश श्रृंगार भी बढ़ी सारे भोग मध्य हम पूजा पंडा महाप्रभुंकर सुंदर भाव में बेश कर सारे आपण मैंने देखुंत कंडात कंडात प्रभुंति पुरुषा पुरुषा स्परी शीर्ष स्थान में दुब टिके लगीगला महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुर जेहेतु पतित पावन होती आपण मैंने देखुंत अत्यंत सुंदर भाव में दर्शन दे कारण से सर्वसुंदर जहाँ को चीर सुंदर कह जाए से कहुची सदा चंचल निद्रा ना ही ये रूपे शून्य छंती रही सदा चंचल सदा जाग्रत भाव में जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ये लीला कर रत्न सिंहासन से सप्तधा मूर्ति को दर्शन करने सर्वप्रथम भगवान पतित पावन को दर्शन भक्ति टे भगवान पतित पावन को पाखे जिते बड़े समर्पित भक्त टी हुए महाप्रभु ताक भक्ति प्रदान करती निश्चला भक्ति कारण निश्चला भक्ति प्रदान कले भक्त टी भगवान को जाई अंतर प्रदेश मध्य नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति को दर्शन करिवो एवं रत्न सिंहासन रे सही सप्तधा मूर्ति को दर्शन करिबा परे श्री महाप्रसाद कणिकाए पाई भक्त आत्महरा ही जाए कारण ये क्षेत्र भली क्षेत्र आ पृथ्वी रे अन्यत्र कोठी नाही कि आउ हेइ परिबो नाही आपण माने देखंतु जगन्नाथ महाप्रभु को ये जो क्षेत्र ये क्षेत्र आ पृथ्वी रे कोठी नाही सेथिपाई इभली क्षेत्र आ द्वितीय मध्य हेइ परिबो नाही पृथ्वी रे जेते प्रकार रो होचंती सब आमर मनुष्य बास करती समस्तंकर होचंती चिन्ह महाप्रभु को पाखरे अछि तार उदाहरण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन यथाक्रम रे तंग वर्ण होची श्वेत वर्ण कृष्ण वर्ण पीत वर्ण लोहित वर्ण तेणु समग्र पृथ्वी पृष्ठ रे ये चारि प्रकार वर्णर मध्य होचंती मनुष्य को देखिबा को मिले सेथिपाई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रत्येक मुहूर्त रे आपण देखिबे जदि च प्रत्येक धर्मावलंबी माने महाप्रभु को दर्शन करिबा को भीतर को जानते नाही तथापि अनेक भक्त माने महाप्रभु को सिंह द्वार पतित पावन चतुर्पार्श्व को परिक्रमा कर प्रस्थान करथांती सेथिपाई प्रशस्त सिंह द्वार ये भली दांड पृथ्वी आउ कौट ना बड़ दांड कह जाए से पुरुषोत्तमाख्य महत क्षेत्र परम पावनम जो दांड महान दांड पवित्र दांड प्रभुंकर दांड रे थरे उपस्थित हो गले मनुष्य कृतार्थ हम ए संदेह नहीं
जाऊ श्री जगन्नाथ महाप्रभु को आम निश्चित भाव दर्शन करवा अनेक भक्त दर्शन कर फेरिले आछ भक्त मान दर्शन करने चली कारण प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक स्थान जा महाप्रभुंकर होती ये महान लीला ये लीला होती आज पर्यंत कई जापारी ना ये लीला जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला तेरे जाऊ आज समय तो प्रभुंकर आम गुणगान करने सहित श्रीक्षेत्र सीधा प्रसारण दर्शन आपण मैंने कर मोर सहयोगी पंडित भजराम शतपथी मुझे अनुरोध करी ये कार्यक्रम प्रातकाल सीधा प्रसारण धारा को